आज रांची से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। यहां पुलिस ने जब बदमाशों के गैंग को दबोचा तो उनसे जो कुछ मिला उसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। पूछताछ में बदमाशों ने बीजेपी नेता पंकज गुप्ता की हत्या की बात कबूल की। यहां मेज पर हर तरफ मौत का सामान बिखरा पड़ा है। एक AK-47 राइफल, 6 पिस्टल, कई मैगजीन और अनगिनत कारतूस। मेज पर 2000 और 500 रुपए के गुलाबी और हरे नोटों के कई बंडल भी मौजूद हैं। तस्वीरें रांची के एक थाने की हैं, जहां पुलिस वाले भी हथियारों के इस जखीरे को देखकर हैरान हैं। हथियारों के जखीरे का इस्तेमाल 40 लोगों को ठिकाने लगाने के लिए करना था, लेकिन बदमाश अपनी कोशिशों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही पुलिस के हाथ उनके गृहबान तक पहुंच गए। पुलिस ने हथियारों और 17.5 लाख कैश के साथ 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश अमन श्रीवास्तव गिरोह के सदस्य हैं, जो अपने विरोधी विकास तिवारी गैंग के सदस्यों को खत्म करने के मिशन पर निकले थे। इन बदमाशों ने विकास तिवारी गैंग के 40 सदस्यों के खात्मे का प्लान बनाया था, लेकिन उससे पहले ही ये बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बदमाशों ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि 11 मार्च को सरेआम बीजेपी नेता पंकज गुप्ता की हत्या भी उन्होंने ही गलत फहमी में की थी। बदमाशों ने विकास तिवारी गैंग के सदस्यों को चुन चुन कर मारने की योजना बनाई थी और इसीलिए भारी मात्रा में हथियार और रुपये इकट्ठे किए। समय रहते इन अपराधियों को पकड़ लिया गया, वरना झारखंड की राजधानी में एक बड़ा खूनी खेल सामने आ सकता था।